Anh cô này. हमें अपने ट्रेन में आ गए हैं। हमें ऊपर की सीट मिली है। मैं जा रही हूँ ऊपर बैठने। सुबह हम जल्दी उठ गए थे, इसलिए हमें बहुत नींद आ रही थी, इसलिए हम सो गए। हम उठ गए तब हमने देखा कि गुफा आ गई। हमें फिर थोड़ी भूख लग गई, इसीलिए हमने वेफर और चकली खाया। हम ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए हमने थोड़ी मस्ती की। ट्रेन में बहुत ठंडी लग रही थी, इसीलिए मैं सो गई। सुबह हो गई और मैं गंगा नदी देखने के लिए उठ गई और बहुत ठंडी थी। फाइनली गंगा नदी आ गई और जैसे जैसे ट्रेन बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंडी बढ़ रही थी। जय गंगा मैया। हम अपने गांव बनारस पहुंचने ही वाले हैं। हम अपने गांव बनारस पहुंच चुके हैं। ये हमारा घर है, हम अपने घर पहुंच गए हैं। ये हमारे आंगन में पेरू का पेड़ है। हमारा घर इतने दिन से बंद था, इसीलिए हमारे घर की साफ सफाई नहीं हुई थी, इसीलिए हम सीधे शादी वाले घर में जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं शादी वाले घर में जहाँ मेरी दीदी की शादी है। ये है शादी वाला घर और कितना अच्छा डेकोरेशन किया है ना, और कितना सुंदर है। ये मेरी दीदी है येलो साड़ी में, जिनकी शादी है। आज पहला दिन है हल्दी के रस्म का। यहाँ सब हल्दी के रस्म के लिए आए हैं और डांस कर रहे हैं। हल्दी का डेकोरेशन कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दीदी को सब हल्दी लगाया जा रहा है और एंजॉय कर रहे हैं। आज है मेहंदी का रस्म। यहाँ पे दीदी को मेहंदी लगाया जा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है।
कितनी सुंदर मेहंदी लगाई जा रही है। ये मेहंदी का डेकोरेशन है। इधर दीदी का फोटो निकाला जा रहा है। अनवी भी एंजॉय कर रही है दीदी के शादी में। दीदी कितनी सुंदर लग रही है। दीदी के मेहंदी का कितना अच्छा कलर आया है। सुबह हो गई है और आज शादी वाला दिन है। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ शादी की तैयारी हो रही है, जैसे कि डेकोरेशन करना, स्टेज लगाना और खाना बनाना। यहाँ पे शादी की मिठाइयाँ बन रही है। व्हाइट रसगुल्ला, खाजा और लड्डू बनाया जा रहा है। सारी मिठाइयाँ बनकर रेडी हो गई है। शादी का मंडप भी रेडी हो गया है। दीदी के पैर में कलर लगाया जा रहा है। ये शादी का स्टेज है। कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बनाया है। यहाँ पर कमल का फूल बनाया गया है। यहाँ सबको एंटरटेन करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। जब तक दीदी नहीं आती तब तक सब लोग राधा कृष्ण जी का डांस देख रहे हैं। दीदी रेडी होकर आ रही है।
दीदी कितनी सुंदर लग रही है। इसमें दीदी और जीजू है, अभी कमल के फूल से बाहर आएंगे। यहाँ पे दीदी और जीजू एक दूसरे को हार पहना रहे हैं। यहाँ पर दीदी और जीजू की शादी हो रही है। और ये कितना है।
अब दीदी की विदाई की रस्म हो रही है। दीदी की विदाई हो रही है, दीदी अपने घर जा रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।